हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू एस वी इलेक्ट्रॉनिक्स। आप इधर स्क्रीन में देख सकते हैं, ये एक सोनी का मोस्ट फेवरेट मॉडल है मेरा पर्सनली। ये मॉडल टीवीस में बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम ये आता है, इसका स्क्रीन में आप इधर देख सकते हैं, ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। ये कौन सा मॉडल में ये कॉमन प्रॉब्लम आ सकते हैं वो पूरा मैंने इधर लिस्ट दे दिया हूँ। इतना सारा मॉडल्स में ये पूरा सेम टू सेम प्रॉब्लम आएगा, मॉडल नंबर भी देख सकते हैं। ये मेरे पास एक टीवी आया है आज, इस पर क्या प्रॉब्लम है वो देखेंगे। वो चेक करने के लिए मैं अभी टीवी को ऑन कर रहा हूँ। अब इधर देख सकते हैं, ये सेंसर थोड़ा ऊपर है, इसको ऑलरेडी किसी ने ओपन किया है, किसी ने ओपन करने के बाद ही हमारा जैसा टेक्नीशियंस को देता है। अब इधर क्लियरली देख सकते हैं, ऑलरेडी इसको किसी ने ओपन किया है। अभी मैं ये ऑन किया हूँ, ऑन करने के बाद आप इधर देख सकते हैं सोनी का लोगो आया है। ये अभी पिक्चर तो सही से आ रहा है, मैं लेके आने के बाद 2 घंटा तक चलाया हूँ, इसका तो कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब कुछ ओके था। लेकिन फिर भी 2-3 दिन के बाद ये प्रॉब्लम रिपीट आने का चांसेस बहुत है, चांसेस नहीं 100% वो रिपीट आता है। उसके लिए मैं यही प्रॉब्लम ठीक करने के लिए, परमानेंटली ठीक करने के लिए बैक और ओपन कर रहा हूँ। बैक कवर ओपन करने के बाद इसके अंदर आप देख सकते हैं मदरबोर्ड सभी इस तरीका से रहेगा। मदरबोर्ड का साइड ब्रैकेट्स पूरा ओपन कर रहा हूँ। ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद इसका मदरबोर्ड का पावर सप्लाई का कनेक्टर भी निकाल रहा हूँ और मदरबोर्ड भी ओपन कर रहा हूँ। ये एलवीडीएस थोड़ा ध्यान से ओपन करना पड़ेगा। मदरबोर्ड ओपन कर लिया हूँ। नेक्स्ट ये टीकन का ऊपर का एक मेटल का प्लेट रहेगा, उसको भी ओपन करना चाहिए। ये ओपन करने के बाद हमारा मेन पार्ट इधर हमको हमारा टीकन मिलता है। अभी मैं ये टीकन को डिसकनेक्ट कर रहा हूँ। आप इधर देख सकते हैं, इतना सारा टीकन्स मैंने ऑलरेडी चेंज कर चुका हूँ। ये सभी आपने जो देख रहे हैं और भी टीकन्स है, जो आपने अभी देख रहे हो वो पूरा वर्किंग टीकन है, वो 2-3 दिन के लिए चल जाएगा। बाद में 3-4 दिन एक हफ्ता छोड़ के फिर आन के तो वो चल जाएगा, बाद में सेम वाइटिश इश्यू नहीं तो वो कलर बर्स आने लगता है। उसके लिए मैं पूरा ये नई इस्तेमाल करता हूँ। आप इधर देख सकते हैं, इसके ऊपर बहुत R&D भी कर चुका हूँ। इस पर मेन प्रोसेसर जो आता है उसी का ही प्रॉब्लम होता है। मैंने चिप भी चेंज करके बहुत टिकन्स में चेक किया हूँ, वो फिर भी वो ऐसे डालने के बाद वो 2-3 दिन के लिए चलता है, बाद में सेम इश्यू रिपीट हो जाता है। उसके लिए मैं ये टिकन के ऊपर भरोसा नहीं है, उसके लिए ये टिकन चेंज कर देता हूँ। और एक बात है, इस पे LVDS है ना, ये LVDS को भी बहुत ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा। इन केस मैं जो करता हूँ, ये LVDS एक बार निकाल दिया तो फिर से मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि आप इधर देख सकते हैं इतना सारा LVDS मैं ऑलरेडी चेंज कर चुका हूँ। उस पे क्या होता है, कभी कभी कलर का इश्यूस आ जाता है, उसके लिए मैं ये पुराना LVDS यूज़ नहीं करता हूँ। ये हमारा मेन नया टीकन, ये एक मॉडिफाइड टीकन है, ये सोनी का तरफ से ही रिलीज़ किया वाला टीकन है, उसको दूसरा मॉडल्स में यूज़ किया। इस मॉडल के लिए उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस तो नहीं किया, ये टीकन तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ये टीकन में कनेक्टर थोड़ा डिफरेंस है, उसके लिए इसके साथ एक गोल्ड कनेक्टर भी कनेक्ट करना पड़ता है। अभी मैं वो गोल्ड कनेक्टर भी कनेक्ट कर दिया हूँ, उसको अभी चेक कर रहा हूँ कंटिन्यूटी का मदद से। अभी कनेक्टर पूरा ओके है। उसके साथ मैं आप इधर देख सकते हैं नया LVDS को कनेक्ट कर रहा हूँ। मैं कभी भी यही LVDS को यूज़ करता हूँ, दूसरा LVDS इस्तेमाल नहीं करता हूँ। टेस्टिंग पर्पज़ के लिए मेरे पास एक एक्स्ट्रा LVDS रहता है, जब भी मैं टेस्ट करना चाहता हूँ तब ये मेरा पुराना LVDS यूज़ करता हूँ, तो कस्टमर को देने के टाइम उसको भी नया डाल के दे देता हूँ। ये इश्यू तो बहुत सारा मॉडल्स में आता है, लेकिन सभी मॉडल्स के लिए टीकन रिप्लेस करना एक ही सोल्यूशन नहीं होता है। अब इधर देख सकते हैं, उसका प्लेट भी मैं अभी इंस्टॉल कर रहा हूँ। चेकिंग के लिए अभी स्क्रूज कौन से भी नहीं डाल रहा हूँ, पहले चेक कर लेता हूँ सब कुछ ओके है कि नहीं, बाद में मैं इसका स्क्रू सभी डाल देता हूँ। अभी मदरबोर्ड कनेक्शन हो गया, अभी टीवी को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हम इधर देखना है सेंसर में वाइट लाइट आया कि नहीं, अगर नहीं आए तो एक बार स्टैंड बाय रिलीज़ करना पड़ता है। स्टैंड बाय रिलीज़ कर दिया तो ये
ऑन हो जाएगा। कस्टमर केयर में कॉल करके पूछते हैं तो उन्होंने रीसेट करने के लिए बोलता है, वो रीसेट कभी भी नहीं करना, रीसेट कर दिया तो हमारा मदरबोर्ड ख़राब होने का चांसेस बहुत है। रीसेट करने के लिए हमको स्क्रीन में सब कुछ दिखना चाहिए, वही उसी टाइम में हम रीसेट कर सकते हैं। ब्लाइंडली हम आँख बंद करके रीसेट नहीं करना चाहिए, अगर रीसेट कर दिया तो कुछ गड़बड़ हो तो मदरबोर्ड ख़राब हो सकता है। आप इधर एओएस में देख सकते हैं बैकलाइट अभी ऑन हो चुका है, बैकलाइट ऑन होने तक मैं वेट करना पड़ता है। आप इधर देख सकते हैं स्क्रीन पूरा ओके हो चुका है। मेरे को 100% विश्वास है कि ये टीकन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। आप इधर सेंसर में देख सकते हैं, ऐसे थोड़ा ऊपर है तो उसके अंदर गैप आता है, किसी ने ओपन किया तो उसको सही से नहीं बैठा है तो ऐसे आता है, उसको प्रॉपर एक प्रोफेशनली फिक्स करना एक तरीका है। उसके अंदर लॉक्स रहता है, वो लॉक में वो सही से बैठा है तो ही ऐसे बिना गैप वो फिक्स हो जाता, नहीं तो ऐसे गैप रह जाएगा। अब इधर देख सकते हैं स्क्रीन पूरा ओके हो चुका है। ऐसे ये मॉडल्स में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन पे और वीडियो में दे चुका हूँ, ये नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। ऐसे ही नए नए टीवी रिपेयर वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, उसके लिए आप सब्सक्राइब करना पड़ता है, सब्सक्राइब कर दिया तो जब भी मैं नया वीडियो डालता हूँ आपके पास तुरंत पहले पहुँचेगा। ये था आज का वीडियो, ये वीडियो पसंद हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस ये चैनल में अपलोड करता रहता हूँ, अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, बाय।